मेरा नाम विकास बेरी है, मैं लुधियाना से हूँ। और जय गुरुजी आपको वंस अगेन। ये बात उन दिनों की है जब मैं 1978 की बातें हैं, जब मैं बहुत छोटा था। मैं कहीं हम जाते थे माथा टेकने, तो 1979 में मेरे फादर को एक प्रॉब्लम आ गई, कैंसर उनको हो गया। एंड कैंसर जब हुआ तो हम उनके पास गुरुजी के पास गए, जो ये वाले गुरुजी नहीं, हमारे छतरपुर वाले गुरुजी नहीं, कोई और थे। तो उन्होंने कहा था कि जा तेरे प्यो की उम्र 40 साल बढ़ाती, तेरे प्यो को कुछ नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 1981 में हो गई। तो बड़ा मैं डिसहार्टेड हो गया और मैं बहुत ज़्यादा विश्वास मेरा ख़त्म हो गया कि ये बाबे बुबे कुछ नहीं होते। आई डोंट बिलीव इन एनी बाबाज एंड ऑल। मैं उन पर विश्वास करना मेरा बंद हो गया। समय बीता गया और इसी तरह मैं वक्त आया, शायद 1999 में मेरे मासी जी दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया। जब उन्होंने जिक्र किया तो मेरी नानी माँ कहने लगे, वो पंजाबी हम फैमिली हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो किदे पीछे लग गई, तू घरे मत्था टेक लिया कर, एवं नहीं किसी इधर उधर जाइदा होंदा। तो मैंने भी आंटी को ये समझाया, मेरी मासी वो दिल्ली में रहते हैं, विश्वास, क्योंकि मेरा विश्वास ख़त्म हो चुका था लाइफ से। अपना गुरु, अपना बाबो बुबो जितने भी आते हैं, जितने भी टीवी में बोलते हैं, मैं किसी पर बिलीव नहीं करता, विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर बात आई 2007 में। हमारा एक पड़ोसी था, मेरा एक फ्रेंड, वो हमारा फ्रेंड ही था, आजकल वो वैनकूवर में है। तो उसने मेरे को कहा कि यार एक गुरुजी हैं, दिल्ली में रहते हैं, जर्नल कर्नल, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनको वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, तो दिल्ली चलना है। तो मैंने कहा यार तू, यार बींग पंजाबी लड़, मैं कहा यार तू सरदार हो गए, किड़े पासे तुरै फिरदा, तू अपना घर दे गुरुद्वारा साहब जा, मत्था टेक उन्हां दे गुरुद्वारा जाके अपने सिर झुका, उत्थे अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करिया कर। इन्हां चीज़ों च कुछ नहीं पिया, बस अपना रब का नाम घरे बैठ के लै लो, यही बहुत वड्डी गल होंदी है। फिर बात आई गई हो गई, बात है 2008 की। मेरे भाई साहब कुवैत में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक सत्संग सुनाया गुरुजी का। वो लुधियाना आए हुए थे उन दिनों में। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैं कहा अच्छा, मैंने इनके बारे से सुना तो ज़रूर है, पर मैं कहा भाजी मैं इन्हों का इस तरह मैं विश्वास नहीं कर सकता, किसी के मैं छेती कितने विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने फिर अपना एक सत्संग शेयर किया था, कहते हैं वो जेठरा अंकल, वो यूट्यूब में भी जेठरा अंकल ने वो सत्संग शेयर किया हुआ है कि एक ट्रेन थी, कोई संगत जानी थी वैष्णो देवी, तो उन्होंने जलंधर से ही एक ट्रेन चला दी थी, जो कि 5 साल बाद चली थी। वो उसी ट्रेन में बैठ के जलंधर से 5 साल पहले गुरुजी ने वैष्णो देवी वो 11-12 जाने थे, वो वहाँ गए। उन्होंने बात मेरे को कह दी, पर मेरे को वो बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई, फ्रेंकली स्पीकिंग, वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं कहा यार भाजी, मैं दिल में पता क्या सोच रहा था, मैं कहा भाजी यार साढ़े कुवैत रहते ने, पढ़े लिखे ने, फॉरन भी घूमे ने, किड़े पासे तुरे हुए ने। मैंने इनकी बात को बड़ा लाइटली सा लिया, मैं कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक इतना कहा, कहता विकी ऐसे कर विकास, ये एक मेरा निक नेम इज़ विकी, ऑफिशियल नेम इज़ विकास। तो उन्होंने कहा विकी ऐसे करिए, गुरुजी का स्वरूप है, तो उन्हें अपने पर्स में रख ले। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, आज भी है। तो मैंने उनको उनकी बात, मैंने कहा यार बात का जवाब दूं। उनकी बात को मैंने टाला नहीं, वो स्वरूप गुरुजी का मैंने पर्स में रख लिया। वो पर्स में पड़ा रहा 2013-14 तक, और उसके बाद वो काम मिसप्लेस हो गया। आई डोंट रिमेम्बर। जब मैंने निकाल दिया अनजाने में, मुझे इतना पता भी नहीं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इतना मेरे को आइडिया नहीं था कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। फिर बात आई गई हो गई एंड फिर एक मेरी लाइफ में ऐसा मेरे को झटका लगा। वो दिन था 2018 का, सन 2018 में मेरे को कोई पेन हुई मेरे राइट साइड में पेट के अंदर, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वो अल्ट्रासाउंड 1 महीने तक घर में ही पड़ी रही, डाइनिंग टेबल में रखी। मैं कहा चल मैं आज दिखाता हूँ, कल दिखाता हूँ। मैंने कहा स्टोन होगा, स्टोन की दवाई ले ली मैंने। लेकिन आफ्टर 1 मंथ फिर मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई मेडिकली। मैंने कहा यार, मैंने वो जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, मेरा कज़न पुणे में रहता है, इज़ ए डॉक्टर। मैंने उसको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा यार ये देख भाई, ये देख इसमें क्या है। कहता यार मेरे को इमीडिएटली कॉल कर। तो मैंने उनको इमीडिएटली कॉल किया। मैंने कहा यार इसमें है क्या। कहता यार आई एम सॉरी टू से दैट ये कैंसर है। मेरे पैरों में से ज़मीन निकल गई। मैं कहा ये हुआ क्या मेरे साथ। आई वॉज इन सच ए बैड फेस में से निकल गया। मैं ऐसे लगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मैं दिल में यही सोची जा रहा था, मैंने कहा आज तक मेरे साथ किसी का नुकसान नहीं किया। हाँ, किसी ने मेरे को तंग किया, उसको मैंने छोड़ा भी नहीं है। मैं जट दिमाग का बंदा हूँ, थोड़ा सा देसी बंदा हूँ, ऐसे माइंडसेट का बंदा हूँ, बड़ा फ्रेंकली। हाँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। हाँ, मेरे साथ कोई गलत करता फिर मैं उसको छोड़ता हूँ। आज ही मेरा माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, पर गुरुजी के आने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहरहाल वो मेरे को पता लगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। दिल्ली गया, वो मेरे किडनी में था, राइट किडनी में। किडनी रिमूव कराई, लेकिन वो अंदर इतना फैल चुका था कि मेरे लंग्स में भी आ गया था। तो मेरे को पता था क्योंकि मेरे फादर को भी हो चुका था, तो हिस्ट्री पता थी कि बंदे की लाइफ 5-6 साल है, या 2-3 साल है, या साल है, मे बी 6 मंथ्स। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। इतना मैं डिसअपॉइंट हो गया कि मैं घर में किसी से भी बात नहीं करता था। वेरी मच डिमोरलाइज, वेरी मच कह लीजिए कि मैं अपने मदर से भी बात नहीं करता था, बच्चों से भी बात नहीं करता था, मैं अपने वाइफ से भी बात नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगता कि बस इट्स द टाइम इज़ वेरी नियर, कौन से टाइम ही मेरा पटाखा बोल जाना है, कुछ पता नहीं। खैर, बच्चों को मेरी साइकी पता थी। तो मुझे एक्चुअली म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, आज भी है। तो बच्चों ने फायर स्टिक लेकर आए, तो उसमें वो सिंगर का नाम क्या है, सिद्धार्थ मोहन। तो सिद्धार्थ मोहन के भजन लगाने शुरू कर दिए। उसकी भी तो आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है यार, इसकी आवाज़ में दम बड़ा है, जो गाता है बड़ा दिल से गाता है। खैर, वो बच्चे लगा लेते थे। मेरे को बीइंग आई लव म्यूज़िक, तो मैं वो भजन सुनने शुरू कर दिए। और जब वो भजन सुनने शुरू कर दिए, तो गुरुजी के बारे में मेरी बेटी बीइंग कहते ना, वो छोटा बच्चा जल्दी चीज़ समझ जाता है, क्योंकि उसमें बच्चों के दिल में भगवान होता है। तो मेरी बेटी बहुत मानना शुरू करती, कहते नहीं ये गुरुजी हैं, ऐसा है। मैं दिल में सोचूं यार, मैं कह रहा बच्चों को मैं आप कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये गुरुजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज वेरी अपसेट। और एक दिन मैं इतना डिमोरलाइज हो गया कि मैं सुबह सुबह उठा, आई वॉज हैविंग माई मेडिसन। तो जब मैंने मेडिसन ली तो मैंने गुरुजी का ध्यान कर दिया, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप मेरी बेटी ने हर रूम में लगा के रखे हुए था। मैं कहा गुरुजी मैंने बचा लो यार, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं बड़ी आप अगर हो वाक्य हो तो कर दो। फिर बात आई गई हो गई। फिर एक दिन जो मेरा विश्वास लेवल मेरा बना, वो विश्वास लेवल ऐसे बना कि मैं सुबह उठ के योगा कर रहा था तो मेरी वाइफ एक हल्दी की मेडिसिन मेरे लिए लेकर आई। तो मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया उसे, मैं कहा यार गुरुजी वाकई अगर तुम है ही हो ना, मैंने अपने दर्शन दो। मैंने पंजाबी में कहा, बड़ा मतलब कि फर्स्ट एड होकर बोला गुरुजी का, मैं गुरुजी वाकई तुम अगर है ही हो ना, मैंने तुम अपने दर्शन दो। तो इन द मीन टाइम वो कप के अंदर ओम बन गया। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ओम कैसे बना, वो मेरे पास आज भी वो ये व्हाट्सएप में मेरी बेटी ने स्नैप खींची हुई है, ये देखिए दवाई के ऊपर, और दवाई के ऊपर ओम बन गया। आई वॉज सडनली स्टन विद दैट, यार ये इतना ऑल ऑफ द सडन ओम बनना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तरफ में ना ही मेरे लिप्स लगे, ना ही मेरी कोई उंगलियों के निशान लगे, कोई कुछ भी नहीं हुआ। ये ओम कैसे बन गया? मैंने अपनी वाइफ को सडनली बोला कि ये देख गुरुजी का ओम बना है। तो वो भी हैरान होगी, मेरी बेटी भी हैरान होगी, मेरा बेटा भी हैरान होगा। ये देखिए ओम बना हुआ, बड़ा क्लियरली ओम बना हुआ। मैं व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, वो मैं ग्रुप में। तो ऑल ऑफ द सडन जब वो ओम बना, मैंने फिर रियलाइज़ किया, मैं कहने यार कोई बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने किन को चैलेंज कर दिया। इतना क्लियर ओम तो बन ही नहीं सकता। फिर बात आई गई होगी, मैं कहा फिर मैंने बोला गुरुजी यार तुसी वाकई ठीक मतलब हैगी हो तो मैनू ठीक करो, मैं बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहा है तो मैं मेरा की बनना की नहीं बनना मैनू नहीं समझ आ रही, लेकिन तुसी मैनू ठीक करो। मैं योगा करता रहता सी अपना, जी बंदा एक एफर्ट करता है बीइंग ह्यूमन बीइंग, जो मैं अपनी एफर्ट कर सकता था मैं करता रहा। बात आएगी होगी। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, मेरा बर्थडे होता 30 दिसंबर, मैं कहा मेरे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो कहते क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए आपको? मैंने कहा गुरुजी मेरे को ठीक करो बस, मेरा ये बर्थडे गिफ्ट है कि मेरा कैंसर क्योर हो जाए। तो चलो ठीक है, बात आएगी हो गई। और 12 या 13 दिसंबर का दिन था जिस दिन मेरी बेटी मेरे को बोलने लग गई कि पापा आपका आज CT स्कैन करवाना है। तो आई वॉज सो स्केयर्ड कि मेरा, मैं कहा जो होगा देखी जाएगी। मैंने कहा मैंने स्कैन ना देखने जाना है और ना ही मैंने स्कैन करवाना है। तो मेरी बेटी ने अपने मामू को फ़ोन कर दिया, कहते पापा तो जा नहीं रहे, मेरे ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर आ गए हमारी तरफ। तो मुझे ज़बरदस्ती ले गए स्कैन करवाने के लिए। जब वो स्कैन की मशीन में मैं लेटा, मैं एक्चुअली चिंतपूर्णी माता को भी बहुत मानता हूँ, मैं कहा जय माता चिंतपूर्णी जी, जय गुरु जी। यार मैं कड़े कितने फसा के रखता तुसी, मैंने इधर कड्डो, मैंने ऐसे बोला है दिस द सेम एग्जैक्टली वर्ड्स व्हाट आई सेड। यार मैंने तुसी कितने फसा के रखता, तुसी मैनू कितने फसा के रखता, मैनू इहदे विचों कड्डो। जब स्कैन करने वाला बंदा आया, कहता जी सांस रोकी है, मैंने सांस रोका, कहता जी 5 मिनट बाद फिर दोबारा आ गया मेरे पास, कहता जी आप ऐसे करो कलर स्कैन करवा दो। मैं और डर गया, मैं कहा ये कलर स्कैन के लिए क्यों कह रहा है? तो मैं कहा चल यार ऐसे कर तू ये स्कैन तो मेरे को दे। एक्चुअली हुआ क्या था उस स्कैन के अंदर, जो अंदर डॉक्टर बैठा हुआ था उसको कुछ नज़र ही ना आए, कहता आपको हुआ क्या? मैं कहा मेरे लंग्स में कैंसर है। उसको उसको मेरे स्कैन में कुछ नज़र ही ना आए भी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कहना ये स्कैन का ही क्या करवा रहे हैं? मैंने कहा तू ऐसे कर यार स्कैन मैनू दे, मैं पहले जाके डॉक्टर को दिखाया हूँ। 12 दिसंबर को हम स्कैन लेके घर आ गए, लेकिन घर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, स्कैन एज इट इज़ घर में पड़ा रहा। मेरी सिस्टर मैंने कहा मेरी वाइफ को, कहती भाभी आप ऐसे करो एटलीस्ट दिखाओ तो सी है क्या। तो मेरे बेटी ने व्हाट्सएप करके वो रिटर्न और रिपोर्ट सेंड कर दी डॉक्टर को, व्हाट्सएप कर दी मतलब। तो जब मैंने वो रिटर्न रिपोर्ट भेजी अपनी सिस्टर को तो मेरी सिस्टर कहने लगी इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कैंसर जैसा तो कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हो। तो हमने कहते एक सिस्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन घबराने वाले कुछ बात नहीं, आपका नॉर्मल ही है। तो मेरे को था कि यार वो सिस्ट के अंदर थोड़ा सा रह गया होगा, तो मैं योगा करूँगा तो मैं वो भी ठीक हो जाएगा मेरा। मेरे आई एम वेरी क्लोज टू दैट, पर ये नहीं मेरे को पता था कि आई एम एब्सोल्युटली ओके। इस चीज़ से मैं बिल्कुल वाकफ़ नहीं था कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। फिर बात आई गई 27 दिसंबर का दिन 2018, वो दिन अभी भी मेरे को याद है। शाम को हम घर से 2:30-3 बजे निकले तो एक बड़ा चेस्ट स्पेशलिस्ट है, हम उसके पास चले गए। हम पुराने डॉक्टर के पास तो गए नहीं था, हमने कहा आज पर ही नया डॉक्टर को दिखाएंगे। वो एक्चुअली जिसको मेरी कोई हिस्ट्री नहीं पता, जिसको मेरा कोई कुछ नहीं पता, मैं उसको दिखाऊंगा। जब हम उसके पास गए तो मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कार में से उठ के अंदर कैबिन के अंदर चले जाऊं, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ एंड मेरी बेटी, तीनों जाने अंदर चले गए। और मैं बड़ा टेंशन में बैठा हुआ, तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। आई वॉज मतलब डर भी रहा था, पता नहीं के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बैठे बैठे मैंने अपने क्लोज को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैं उनके डॉक्टर के पास बैठा, कहते ये तो वही डॉक्टर है, ये तेरे को जानता तो है, ये पहले उधर था। मैं कहा ये वही है, कहते हाँ। मैं चलिए ठीक है मैं अंदर चले गया। तो मैं सीधे ही अंदर कैबिन के अंदर मैं चला गया। जब कैबिन के अंदर गया कहना हाँ जी, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा ही सिटी स्कैन हैगा, देखो ये हैगी है। कहते जी नॉर्मल है। मैं कहा वॉट, कहते यस इट इज नॉर्मल। मैंने फिर उससे पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब आर यू श्योर अबाउट दिस। कहने यस एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो लंग्स में मेरे कैंसर था, ये जो आप सोच रहे हो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं कहा मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी। कहता अगर आपको ये प्रॉब्लम थी, पुराने कोई आपके पास जो हैं एक्सरे पड़े हैं, सिटी स्कैन पड़े हैं। मैं जी पड़े हैं, पुराने सिटी स्कैन दिखाया। कहने देखिए जी इसमें तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपका कल आपने 10-15 दिन पहले करवाया तो इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यू आर एब्सोल्युटली ओके। और जो मैंने गुरुजी से मांगा कि मेरे बर्थडे पे गुरुजी मेरे को ठीक कर दो, एंड एग्जैक्टली दैट थिंग हैपन। आई वॉज एब्सोल्युटली क्योर, आई वॉज सो हैप्पी, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एट दैट वेरी मोमेंट। मेरे साथ ये क्या हो गया, आई वॉज सो हैप्पी, मैंने सबको बताया। फिर दिमाग में डाउट तो रहते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मैं कहा यार मार्च के महीने में फिर मैंने कलर स्कैन ही करवा लिया। फिर मेरी बेटी भी कहने लगी, कहता पापा आप करवा लो कलर स्कैन एक बार करवा लो, तो थोड़ी बहुत ही टेंशन अगर आपके दिमाग में वो भी निकल जाएगी। चलिए ठीक है। मैं महाशिवरात्रि पे एक्चुअली एक ये भी हुआ था कि मेरी बेटी को ड्रीम आया था, कहता जा तेरे पीर नूं ठीक करता, स्कैन करा ला कुछ भी नहीं है वो, जा मौज कर। तो फिर मार्च में हमने वो शायद मैंने 23 या 27 मार्च को, आई डोंट रिमेम्बर द डे, तो मैंने कलर करवाया स्कैन करवाने के बाद कलर करा के फिर मैं उसी डॉक्टर के पास पहुंचा। कहते आप बिल्कुल घबराओ ना, कलर में भी कुछ नहीं आया है, यू आर एब्सोल्युटली ओके, नथिंग कैंसरस जैसा कुछ भी अंदर नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, आप घर जाके आराम कीजिए, एंजॉय करो लाइफ को। फिर मेरे को होने लग गया कि नहीं गुरुजी हैं और उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने मेरे को ब्लेस किया, मेरे को बचाया, और यही चाहता हूँ कि गुरुजी ऐसे सबका भला करते रहें। छोटी मोटी और भी मेरे घर में प्रॉब्लम है। अब मैं गुरुजी से एक और प्रार्थना जरूर करूँगा, हाँ मेरे से भगवान कोई गलती हो गई मैं तो माफ़ कर दें, सबके सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ। यस, आप ही मेरे पिता हूँ, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे शिव हों, आप ही मेरे सब कुछ हों। और मेरी लाइफ को जो मेरी छोटी मोटी और एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, वो ठीक होगी फिर मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। मैं यही गुरुजी से कहना चाहता हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ वो प्रॉब्लम्स भी सुविधाएँ ठीक करें। और मैं बाउंस बैक करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में है वो मेरी दो चीज़ें जो हैं वो मेरी पूरी हैं और मैं बता सकूँ मैं आप ही का बेटा हूँ। जय गुरुजी। और एक और बात थी कि फिर मेरी शुक्राना करने के लिए मैं बड़ा मंदिर भी जाना था, तो बेटी मेरी बेटी कहने लगी पापा हमने दिल्ली जाना, मैं चल बेटा चलते हैं। तो वहाँ सोनिया आंटी लकीली वो करवाने वाला तो गुरुजी हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम तो वापस जा रहे थे। तो मैंने कहा अपनी वाइफ और अपनी बेटी को कहा, मैं कहा आज मेरे को लगता लंगर तो मिलेगा नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा, चलो जो चाय मिलती चाय पी के ही चलते हैं। तो ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया, वहाँ पे शायद कुछ सोनिया आंटी थी वो आए ऑल ऑफ द सडन, तो उन्होंने कहीं हाँ जी बताइए, मैं हमने लुधियाना से आए हैं तो ऐसे है कि हमने लंगर करना है। कहते आप कोई घबराने वाली बात नहीं, आप ऊपर हॉल में चले जाएँ तो आपको लंगर प्रसाद भी हम आपका अवेलेबल करवा देंगे, आप बैठिए। और जब हम ऊपर गए तो उन्होंने सारा लंगर भी अरेंज किया और गुरुजी ने जो सोच के गए थे कि हम वहाँ जाके लंगर प्रसाद करेंगे, हमने गुरुजी ने हमको लंगर प्रसाद भी करवाया। और इट वाज ए ग्रेट मोमेंट फॉर मी दैट कि हमने लंगर प्रसाद लिया और उनका मैं बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने ये लंगर प्रसाद करवाया। और आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू, सोनिया आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने ये सारा सब कुछ अरेंज करवाया। और उसके बाद फिर मैं ऐसा उनके साथ गुरुजी के साथ जुड़ गया। अब गुरुजी से जब गुरुजी के साथ आप जुड़ जाते हैं तो फिर उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि आप मुझे पता कि वही एक हैं जो सब कर सकते हैं। अब मैं उनको अपना पिता मानता हूँ, वो मेरे सब कुछ हैं। मैं गुरुजी को ये बहाल है कि गुरुजी कहते हैं मेरे से मांगो मत मेरे को मानो, पर मैं गुरुजी को कहता हूँ, मैं कहा गुरुजी हम आपके बच्चे हैं तो बच्चा अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, जिद सो आप इसे करनी है ना, आप इसे मांगना। ये आपसे गुरुजी आपके सामने मेरे आपके चरणों में मैं अपना सर झुकाता हूँ और आपसे फिर एक बार इल्तिजा करता हूँ कि जो मेरी छोटी मोटी एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप बिल्कुल ठीक करें, सुखदायी ठीक करें, मेरे को किसी चीज़ में फंसाएं मत आप, पूरी संगत को ब्लेस करें, सरबत दा भला होवे, सारे खुश रहन, वसदे रहन। और एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहता हूँ आज कोरोना वायरस भी आया हुआ इसका भी गुरुजी वैक्सीन निकालें जल्दी से जल्दी और इसका भी अंत हो, सरबत दा भला हो। जय गुरु जी संगत जी। और इसी तरह मैं यही चाहूँगा कि सब जने गुरुजी पे विश्वास रखें, उनके ऊपर भरोसा रखें। मैं आपको आई एम वेरी श्योर कि ऐसा होता है, पहले मैं नहीं सोचता था क्योंकि आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि येस दिस इज़ ऑल बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, टुडे आई एम एब्सोल्युटली ओके, सब ठीक है। जय गुरुजी। कल सत्संग गुरुजी ने करवाना था, आज हो गया, कल घर पे करवाया और कल हम गुरुजी ने सत्संग हमारे घर करवाना था 12 बजे करवाना था और मेरी बेटी खुद ब खुद भेजा के बैठ के, मैं भी गुरुजी की इधर मैं नॉर्मली अपने कमरे में बैठा रहता हूँ, मंदिर में नहीं बैठता। कल कैसे मैं मंदिर में आके बैठा मुझे भी नहीं समझ में आई, और उन्होंने मेरी बेटी ने और मेरी वाइफ ने लाइव सत्संग किया और मतलब जो कि हमको बाद में पता लगा कि ये आपको सत्संग करना था, सोनिया आंटी ने करवाना था एक्चुअली, ये सोनिया आंटी ने भी कल 12 बजे करवाना था। कल एक्चुअली ये सोनिया आंटी ने मेरे को अभी पता लग रहा अपनी बेटी से भी, ये 12 बजे उन्होंने करवाना था पर उसने बेटी ने मैसेज नहीं दिया, उनको किसी ढंग कम्युनिकेट नहीं हो पाया, कोई मैसेज नहीं भेजा, भूल गए होंगे उन्होंने, मेरी बेटी ने शायद मैसेज नहीं देखा तो वो एक कंफ्यूजिंग हो गई। लेकिन गुरु करवाने वाले गुरुजी हैं, खुद ब खुद इसका सत्संग हो गया और आज भी गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सब संगत का भला हो।